Good morning, everyone. इसे बंद कर दीजिए जरा गेट को, जब लोग आप लोग एंट्री करते हैं ना। हालांकि आज का टॉपिक कुछ अलग नहीं है, आप लोगों का बहुत अच्छे से जानते हैं आप, सेवेंथ से एट में आता है ये ब्लड ग्रुप। तो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप क्यों हमें इसकी खोज हुई थी, डिस्कवर हुए थे ब्लड ग्रुप क्यों हुए। तो देखिएगा जब हम लोग बात करते हैं, मतलब कम समझिएगा, जब हम लोग एक पर्सन से ब्लड को दूसरे पर्सन में क्या कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होती है सब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। तो कुछ अलग नहीं है, हालांकि आप लोग आज हम लोग सुनने वाले हैं सब आपको जानते ही होंगे क्या है आने वाले। जब हम लोग बात करते हैं तो पहले क्या होता था कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात होती थी तब उस वक्त एक डोनर होता था, राइट, और एक रेसिपिएंट। रेसिपिएंट क्या होते हैं कौन होते हैं, हाँ जी, रिसीव करने वाले, ठीक है। तो ग्लास आप लोग जानते हैं कि कभी कभी क्या होता था पहले, चाहे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर किसी को चोट लग जाती थी उस टाइम पर, या फिर सर्जरी के दौरान जो रेसिपिएंट होते थे आप लोगों के, ठीक है, वो क्या हो जाते थे, कभी कभी तो ठीक हो जाते थे और कभी कभी उनकी डेथ हो जाती थी। तब उस वक्त फ्रांस और इंग्लैंड में सोचा जा रहा था कि ऐसा होता क्यों है, कभी कभी तो रेसिपिएंट ठीक हो जाते और कभी कभी उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उस वक्त वहां पर रिसर्च हुई तो उन्होंने क्या चीज देखा कि कभी कभी केसेस में है ना, तो कुछ केसों में क्या होता था, रेसिपिएंट होते थे, ठीक है, उनका जनरली में किस चीज की प्रोसेस देखी गई थी, एग्लूटिनेशन। आप लोग जानते हैं क्या होता है एग्लूटिनेशन, क्या होता है गाइस, आप लोगों के लिए अलग नहीं है टर्म एग्लूटिनेशन क्या होता है। एग्लूटिनेशन क्या होता है और क्यों होता है, इम्यूनोलॉजी में ही मैंने बहुत अच्छे से बताया था, कुछ नहीं याद आ रहा पीछे, हाँ देखो क्लास, पहले तो पता होना चाहिए कि एग्लूटिनेशन क्या होता है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ब्लड ग्रुप का टेस्ट किया था, किया था, यस या नो, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने किस तरह से किया था, एक स्लाइड ली थी, ठीक है, उसमें इस तरह से तीन ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, ए बी और क्या लिखा था, ए बी और यहाँ पे क्या लिखा था, मैं पूछ रही हूँ क्या लिखा था आप लोगों ने, वो लिखा था, मतलब आप सब लोग फर्जी बैठे हुए हैं, पर किसी ने नहीं किया है। आप लोगों ने यह लिखा था डी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया था, अपनी एक फिंगर को 90% अल्कोहल से साफ करने के बाद उस पर एक हाइपोडर्मल नीडल से पिंच किया था, जिसकी वजह से उसमें ब्लड आ जाता है, फिर ब्लड को आप इन तीनों ही ड्रॉप्स में, मतलब जो ग्रुप है उसमें वन वन ड्रॉप डालते हैं, उसमें डाला था। फिर आप क्या लेकर आए थे, एंटी सेरम लेकर आए थे, एंटी सेरम क्या थे, एंटी सेरम एंटीबॉडीज थे वो, ठीक है। उस वक्त आपने एंटी जो आपने ए बी डी दिए थे ना, उसमें एंटी सेरम कौन से होते हैं, ए बी और डी,
ओ का तो काम ही नहीं होता है, इसीलिए हम इनको जो टर्म कहते हैं दैट इज अ डी। ठीक, उस वक्त आपने क्या किया था, इसमें वन वन ड्रॉ एंटीसेरा ही डाले थे, ठीक है ना, एंटीसेरा ए, एंटीसेरा बी, एंटीसेरा डी। ठीक है, तब उनमें से भी आप लोगों ने क्या देखा था, किसी किसी के प्रोसेस में आपने इस टाइप से देखे थे, कुछ तो एकदम नॉर्मली थे, मतलब कुछ नहीं था नॉर्मल, है ना, आपने उनको मिलाया था तो एक तो नॉर्मल था इस तरह से ब्लड, और एक था जिसमें एलिमिनेशन की प्रोसेस इस तरह से दिखने लगा था, दिखा था यस और नो, दिखा था या मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, दिखा था तो बताओ, नहीं दिखा था तो बताओ, दिखा था ना। तो ये जो प्रोसेस होती ना, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ देखिए आप लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले ब्लड डाला था, राइट, ब्लड तो लिया था पहले अपने फिंगर पर से, उसके बाद जब आप लोगों ने इसमें एंटीसेरा डाला था, आप लोग जानते हैं ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन। ठीक है, एंटीसेरा को मैंने भी नाम बताया, दैट इज एंटीबॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जब मैंने आप लोगों को इम्यूनोलॉजी में चैप्टर पढ़ाया था, दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, उस वक्त मैंने ये टर्म आप लोगों को क्लियर किया था, एलिमिनेशन की प्रोसेस होती है, उसमें मैंने एग्जांपल भी आपको ब्लड ग्रुप का ही दिया था, क्योंकि ये सब चीज आप लोग कर चुके होते हैं फर्स्ट ईयर में इस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एलिमिनेशन की प्रोसेस हुई क्यों थी, क्योंकि इसमें आपका एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो आपस में रिएक्ट कर जाता है, कैसे करेंगे रिएक्ट, ये आपका कोई भी ब्लड ग्रुप है, मैं कोई वो नहीं कर रही, ए है बी है ए बी है ओ है, ठीक है, लेकिन आप लोग जानते हैं इसके ऊपर बैलेंसिंग प्रेजेंट होती है, क्या होती है, एंटीजन सही है, ठीक है, और इस पर जितने भी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या टर्म देते हैं, बैलेंसिंग, ये उस वक्त ही बताया था। ठीक है, अब ये एंटीजन है एंटीबॉडी जनरली वाई शेप की होती है, ठीक है, उसमें भी क्या पेंटामर होगी डायमर होगी वो बात अलग है, ठीक है, तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज में भी बताया था, लेकिन अगर ये इस टाइप से है, ठीक है, अब इसको मैं अगर इस तरह से लगा दूं तो ये कंबाइन कर जाएंगी, दूसरे से जुड़ जाएंगी, ठीक है, तो जैसे ही ये जुड़ती है तो वहां पर किसकी प्रोसेस हो जाएगी, आपकी एग्रीगेशन, तो ये कंबाइन करके जुड़ने की वजह से, समझ में आया, यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, तो इसीलिए हमें ब्लड ग्रुप में क्या देखने को मिलता है, एग्रीगेशन की प्रोसेस। कोई परेशानी, आगे चले फिर, करना है करो ना, तुम्हें आगे तो बताया, देखिए देखिए, अब हम लोग क्लास
बात कर लेते हैं यहाँ पर, लिख लिया ना, कि अब सबसे पहले पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किसने किया था। तो किसने किया था? कार्ल एंड स्टीनर ने किया था सबसे पहले, ठीक है। और कौन से ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था उन्होंने? ए बी सी और ओ, वो नहीं किया था, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग सुन में सुन मिला देते हैं ना, ओ को डिस्कवर नहीं किया, ठीक है ना। इसे सबसे पहले सिर्फ कार्ल एंड स्टीनर ने किसने किया था? ए बी और ए बी को, ठीक है। लेकिन इन्होंने किया था कब? 1900, ठीक है। इसके बाद में 1902 में, 1902, ठीक है। इसमें दो साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था कॉस्टेलो एंड स्टर्ली, ठीक है। उन्होंने कब किया था? 1902, ठीक है। 1902 में इस ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सब एक ही चीज बताया जाता है, दैट इज द कार्ल एंड स्टीनर। कहीं पर भी बच्चों की बुक में आपको डी कॉस्टेलो और स्टर्ली का नाम देखने को नहीं मिलेगा। स्टर्ली का तो फिर भी देखने को मिलेगा, पर डी कॉस्टेलो का फिर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओ को जो डिस्कवर किया था वो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, ठीक है। आगे बात चले, अब देखिए अब क्लास, अब आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए, लिख लिया होगा, ठीक है। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स नहीं लिख रहे हैं वो बिल्कुल जवाब दीजिए। आप लोगों ने ब्लड ग्रुप का जब टेस्ट किया था तो एग्रीगेशन की प्रोसेस होती थी, तो उससे आपको क्या पता चला था ब्लड ग्रुप कौन सा था? मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ, ये था आपका स्लाइड, ठीक है। आपकी हो गई है इसमें और इसमें, ए बी और डी में आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए पॉजिटिव होगा, पर एंटीजन पॉजिटिव हो गई है, कौन सा था? बिल्कुल सही बात है, अगर एलिमिनेशन प्रोसेस में होती है ना, वही होता है आपका। ए में हुई है और डी में हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव शो कर रहा है। ए में हुई है इतनी साल का ब्लड ग्रुप ए है, डी में भी हुई है तो डी में क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, तो हो चुकी है तो मतलब ये पॉजिटिव। क्यों हुई भाई, हमने इसको क्यों बोला? यहां पर इसके लिए आपका ब्लड ग्रुप में एंटीजन था, कौन सा? ए एंटीजन था। आपने जब उसमें एंटी सेरा यूज किया था, एंटी सेरा ए, ठीक है, एंटी सेरा मतलब एंटीबॉडी यूज किया, तो यहाँ पर एंटीबॉडी ए यूज कर दी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, क्या बन गया आपका? एग्लूटिनेशन हो गया, ठीक है। तो एग्लूटिनेशन होने की वजह से आपने क्या बताया कि आपका ब्लड ग्रुप ए था, ठीक है। वो तो पॉजिटिव नेगेटिव, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। समझ में आया एंटीबॉडी प्रोसेस को हम क्यों ये बात बोलते हैं? चलिए अब बात कर लेते हैं जरा, हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजें हैं क्लास। ये है आपका कोई भी ब्लड ग्रुप, हम मान लेते हैं ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है? ना ना, तुमको तो पता ही है, मैं हालांकि बता भी चुकी हूँ कौन सी होगी, है जी, ए और बी दोनों होंगी इसमें, हाँ है जी। क्यों होगी बी? अरे तुम ही बता दोगे, देखो मैं बताती हूँ, आप लोग जानते ही मैंने ए का मान के चली, ठीक है। ए में हम लोगों को सिखाया जाता है, ए ठीक है, इसको क्रॉस हटा दो अगर इसको, ठीक है। तो चलो ये मैंने लगा दी इस पर एंटीजन्स, ठीक है, और नंबर ऑफ एंटीजन्स को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्लास, बनाने के लिए प्रॉपर टाइम दे दिया जाएगा, पहले समझ लीजिए। यहां मैंने बनाया है ब्लड ग्रुप बी,
ठीक है। बी बी को हम ऐसे बनाते हैं, बनाते हैं ऐसे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। तो इस पर जो एंटीजर्स लगेंगे वो बी की शेप में बना दो इस तरह से, ये ठीक है। अब थोड़ा शांत है, मेरे सामने दो प्रकार के एंटीबॉडीज हैं, ये तो है एंटीजन्स, ठीक है, ये है आपके एंटीजन। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ, आपके सामने दो एंटीबॉडीज है, ये ठीक है, इस पर आकर कौन सा लग जाएगा? मैं एंटीबॉडी पर टर्म दे देती हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड, कौन सा वाला आपके एंटीबॉडी लगेगा इस पर? फर्स्ट, ठीक है, मैं कहती हूँ फर्स्ट वाला लगा दिया हमने इस पर, ठीक है, लगा दिया हमने इस पर। अगर ये लग जाएगा तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? एग्लूटिनेशन की हो जाएगी। एग्लूटिनेशन होते ही आपके ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा, क्या ब्लड फ्लो हो पाएगा? हुआ क्या? नहीं हो पाएगा। इट मींस आपके में जो एंटीबॉडी होती है वो वाली, ये आपका एंटीजन ए है, ठीक है, तो ये मैं एंटीबॉडी ए देती हूँ उसको एंटीबॉडी बी, ठीक है। तो आपके ब्लड में कौन सी वाली होगी? B वाली, चाहे कितनी भी मौजूद हो आपके प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में, कभी भी उससे कंबाइन नहीं कर सकती, कर सकती है एंटीजन के साथ, जब कंबाइन ही नहीं करेगी, जब जुड़ेगी ही नहीं, तो यहाँ पर एग्लूटिनेशन की प्रोसेस होगी नहीं, आपका ब्लड नॉर्मली फ्लो होता रहेगा, पूरे सर्कुलेट होता रहेगा नॉर्मली, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर काम क्या होता है एंटीबॉडीज का? काम क्या होता है एंटीबॉडीज बी का? क्या काम होता है एंटीबॉडीज बी का? कोई बेसिकली काम नहीं होगा, सिर्फ एंटीबॉडी की तरह फंक्शन करेगा ये, कभी भी कोई भी पैरासाइट आपके बॉडी में एंट्री करेगा तो बस, हाँ बस, नॉर्मली आपको फैगोसाइट से उसकी प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए आपके ब्लड ग्रुप ए में, उसमें एंटीजन कौन सा है? ए, ठीक है, और एंटीबॉडी बी, ठीक। अब देखिए ये है आपका ब्लड ग्रुप बी, इसमें भी आपके पास दो है एंटीबॉडी, ये फर्स्ट नंबर पे दे देती हूँ, मतलब एंटीबॉडी ए और ये एंटीबॉडी बी, ठीक है। कौन सा वाला इस पर जुड़ सकता है? ए इस पर जुड़ सकता है, बी जुड़ जाएगा इस पर, कंबाइन जो होगा इस पर बी हो जाएगा, तो देखिए दोनों के शेप में डिफरेंस है, अलग अलग है ना, एक तो मैंने इस तरह बनाया पॉइंटेड और एक को थोड़ा सा राउंड करके बनाया हुआ है, ध्यान दीजिए दोनों है ना, अंतर है। अगर आप चाहो तो इसे आप इसके साथ जोड़ सकते हो, इस तरह से जुड़ सकती है ना ये राउंड वाली। अब सपोज कीजिए अगर यहाँ पर ये एंटीजन बी है, क्योंकि आपके पास ब्लड ग्रुप हम बी पढ़ रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा है? बी। अब सोचिएगा अगर बी पर आपका एंटीबॉडी बी लग जाएगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, जुड़ गया ना ये एक दूसरे के साथ, कंबाइन कर गया, कंबाइन होते ही क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? एग्लूटिनेशन हो जाएगा। इट मींस आपके ब्लड ग्रुप बी में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी? ए, क्योंकि ये चाहे कितनी भी नंबर में प्रेजेंट हो कभी जुड़ेगी नहीं, जुड़ेगी क्या? एग्लूटिनेशन की प्रोसेस होगी नहीं यहाँ पर, समझ में आया? ठीक, किसी को परेशानी, इन दोनों को ड्रॉ कीजिए फिर आगे बात करते हैं, और ड्रॉ शुरू कर लेना, ठीक है, ये आप लोगों को समझाने के लिए डिजाइन बनाए हुए हैं, होता नहीं है ऐसे, जबकि जनरली इस पर होंगे थोड़े से राउंड राउंड से और उस पर होते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है, और थोड़े जगह से ढूंढ के ले आओ ना, आपने कैसे जन बनाई एक जरूर लेना उस पर क्या बोल बोल अरे नहीं बच्चे कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं, लिख दीजिएगा ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, ठीक है, जिससे आप लोग फ्यूचर में भी नहीं भूलोगे इस चीज को। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में जल्दी जल्दी इसको लिखता है।
हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर हम इस पर से अब ये एंटीजन हटा देते हैं सर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब हम लोग बात करेंगे आपके ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में और यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ के, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब चूंकि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, तो आपके इस ए बी पर एंटीजन कौन कौन से होंगे? जोर से बोलो, दोनों है ना, तो बस दोनों टाइप के बना लीजिए आप, ए बी और बी, ठीक है, दोनों ही टाइप के बनाइए आप। देखिए अब एक बात बताइए, ए बी है आपके सामने, ए बी में दोनों ही टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है, अब इस पर कौन से एंटीबॉडी होगी, ए या बी, कौन सा एंटीबॉडी होगा इसमें? एक सेकेंड, तुम ध्यान रखो, सिर्फ देखा करो तुम। हाँ भाई, कौन से होंगे इसको एंटीबॉडी, कौन से होंगे मेरे ख्याल से? वॉइस ही बता सकते हैं, बस एक को छोड़कर, चलो दो को छोड़ दिया हूँ, बस कोई नहीं होगा इसका। अरे वाह, बहुत अलग आंसर दिया आपने मुझे, बताइए इसका ही होगा, दोनों होंगे। अगर ये दोनों हो जाते हैं तो ये दोनों ही एक दूसरे से कंबाइन कर देंगे, मुझे कंबाइन हो गए, हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। इन्होंने बोला था ए होगा, ए होगा तो यहाँ पर ये ए वाले जगह पर हो जाएंगे, एग्लूटिनेशन की प्रोसेस फिर हो जाएगी, फिर कौन सी, तो इसमें आपका कोई भी नहीं, क्योंकि जब आपके एंटीबॉडी होंगे ही नहीं, इट मींस यहाँ पर कोई भी कंबाइन करने के लिए है ही, जब कुछ है ही नहीं यहाँ पर कंबाइन करने के लिए, तो एग्लूटिनेशन की प्रोसेस कहाँ से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी है, कोई परेशानी नहीं। अब हम बात कर लेते हैं आपके ब्लड ग्रुप ओ के बारे में, लिख पहले लो, समझ तो हम बात करेंगे, चलो लिख लो पहले। हो गया, हाँ पूछो। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे। देखो हो गया, देखो अब एक काम करते हैं हम लोग, ये हम लोग बात करेंगे आपके एंटीबॉडी ओ के, सॉरी ब्लड ग्रुप ओ के बारे में, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ है तो इस पे एंटीजन कौन सा होगा? इस पर एक भी एंटीजन नहीं है, तो इस पे एंटीबॉडी कौन सी हो जाएंगी? इस पर दोनों ही होती है, ठीक है, एंटीबॉडी ए भी होगी और बी भी होगी, कितने भी हो जाए इस पर ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं है, आपको सिखाने के लिए बताया जा रहा है, याद रखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज देखा अभी तक, देखिए क्लास, आप लोगों का जो ब्लड ग्रुप ए था उसमें एंटीबॉडी बी प्रेजेंट थी, और ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट थी, ब्लड ग्रुप ए बी में एक भी नहीं प्रेजेंट थी, और आपके ब्लड ग्रुप ओ में दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी, ठीक है। रीजन आपके सामने है, ठीक है, कि क्यों एब्सेंट होती है, क्यों प्रेजेंट होती है, कोई परेशानी समझ में आया? चलो अब एक काम करते हैं, ये तो बात रही आप लोगों के ब्लड ग्रुप के बारे में,
ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज और स्टडी करते हैं अपने इसमें, दैट इज आर एच फैक्टर, जानते हैं है ना क्या होते हैं आर एच फैक्टर? हाँ हाँ रिसेस मकान, बताइए एक चीज़ चल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आपके आर एच फैक्टर के बारे में। आर एच फैक्टर को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? आप आर एच फैक्टर में कार्ल लैंडिस स्ट्रीटमेंट का ही नाम पढ़ते हैं? नहीं, जब भी हम लोग कार्ल एंड स्टीनर का नाम आता है, एक के आर एच फैक्टर को सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया था वो थे वीनर। वीनर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में उसका भी नाम है कार्ल एंड स्टीनर, ठीक है ना। लेकिन जो जनरली होता है वो आपका वीनर ने आपका आर एच फैक्टर को डिस्कवर किया था पहली बार, ठीक। बीनर ने किया था आर एच फैक्टर, ठीक है। अब ये होता क्या है आर एच फैक्टर? आर एच फैक्टर को हम आर एच फैक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले डिस्कवर जो किया गया था मंकीज पे किया गया था। मंकीज भी कौन सा था? रीसेस, रीसेस बनता है ना। तो रीसेस का आर एच स्टार्टिंग के टू अल्फाबेट यूज होते हैं रीसेस, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आर एच फैक्टर बोलते हैं। अब ये होता क्या है देखिए, विनर ने क्या किया था? चलिए कार्ल लैंडिस स्टीनर विनर ने क्या किया था, जब लोग ब्लड ग्रुप की जब डिस्कवर हो चुके थे तो उन्होंने कुछ मंकीज लिए, मंकीज के ब्लड ग्रुप के जब वो देख रहे थे कि सभी मैन में मतलब इंसानों में और आपके मंकीज में एक जैसे ही होता है ब्लड ग्रुप, ऐसा देख रहे थे, उनको एक चीज अलग देखने को मिली। बात पहले कर दो, कौन सा होगा ये ब्लड ग्रुप? ए बी, ठीक है, ए बी था। अब ये क्लास उन्होंने क्या देखा विनर ने कि यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप के साथ साथ मतलब यहाँ पे ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट थे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और अलग से डिजाइन भी देखी उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहा कि चलो ये चीज तो मुझे समझ में आ रही है, पर ये क्या चीज आ गई, अब ये कौन सा एंटीजन आ गया, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया कि ये कैसी डिजाइन है, फिर उनके मन में और भी कुछ सवाल आए, क्या सभी मंकीज में होते हैं? तो फिर उन्होंने कुछ मंकीज के सैंपल फिर लिए, तो उन्होंने एक चीज देखी कि यहाँ पर कुछ मंकीज में तो आपके इस टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, ठीक है, और किसी में एब्सेंट थे, ठीक है। तो इसी चीज के बेसिस पर उन्होंने क्या कहा कि जरूरी नहीं है कि ये जो स्ट्रक्चर है सभी ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट, ठीक है। और इसी चीज को उन्होंने क्या नाम दिया था? आर एच फैक्टर। मतलब उन्होंने ये बात बोला कि किसी किसी में आपके आर एच फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं और कुछ कुछ ब्लड ग्रुप्स में ये एब्सेंट होते हैं। जिनमें प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आर एच पॉजिटिव, और जिनमें एब्सेंट होते हैं दैट इज आर एच नेगेटिव। आप लोग बोलते हैं आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? दिस वन, क्योंकि ब्लड ग्रुप जो उन्होंने डिस्कवर किए थे वो ए ए बी ओ यही तो किए गए थे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं किए थे, याद रखिएगा। कहीं पर भी आप उनकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो आप सिर्फ ये बात करते हैं कि ए ए बी और ओ, इसे डिस्कवर किया था कार्ल एंड स्टीनर ने और ओ को किया था स्टर्ली एंड डी कॉस्टेलो ने किया था, ये बात बोलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव की बात आपने कभी नहीं की आज तक, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है, समझ में आया?
पहली खास बात। अच्छा एक छोटी सी सवाल पूछ लेती हूँ इसी चीज को लेकर, आप लोग जानते हैं यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है? क्या होता है रेसिपिएंट डोनर? ओ आई एम सॉरी, यूनिवर्सल डोनर। हाँ 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 बोलिए, यूनिवर्सल डोनर क्या होते हैं? जो सबको दे सकता हो, ठीक है? जब ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप ओ है ना, ओ नो 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 तो मैं डोनर पूछा मैंने। हाँ अच्छा, मेरा सवाल वैसे मैं पूछने वाली थी कि पॉजिटिव या नेगेटिव, ओ पॉजिटिव होता है यूनिवर्सल डोनर या फिर ओ नेगेटिव? मुझे रीजन बता सकते हो? बताओ। एक सेकेंड सुन लिया करो, सही बोल बोल रहा है वो। नहीं नहीं मैं ही समझा रही हूँ। देखिए आप लोग जानते हैं ये पॉजिटिव को लेकर ही बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर RH पॉजिटिव है ये, ठीक है? अभी क्वेश्चन मेरा ये था कि भाई कौन सा डोनर मान के चल रहे हैं? यूनिवर्सल डोनर होता है O, क्वेश्चन है Q, ठीक है? O पर कोई भी आपका एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना A ना B, ठीक है? और मैंने बोला है ये O नेगेटिव, ठीक है? O नेगेटिव होने की वजह से इसका RH फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं है, है क्या? नहीं, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहे यहाँ बचकर कंबाइन करने के लिए कुछ नहीं है, है क्या? नहीं है, ठीक है? तो मतलब ये किसी के भी ब्लड में जाएगा तो वहां पर कोई परेशानी नहीं, ठीक है? क्योंकि इस पर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, इस पर आके जुड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं जुड़ सकता उसके ब्लड के सामने। सामने वाला सपोज करो आपका ए है, ठीक है? तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। तो बी को जुड़ने के लिए इस पर कोई प्लेस ही नहीं मिल रहा है क्या? नहीं है, ठीक है? वही जो आपका RH पॉजिटिव होगा उस पर आपकी क्या प्रेजेंट होंगे? RH प्रेजेंट होंगे। मैं ओ पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, ठीक है ना? ओ पॉजिटिव है, कम से कम आपके RH फैक्टर तो होंगे। RH फैक्टर है इट मींस उस पर आपका एंटीबॉडीज भी, ठीक है ना? उससे जुड़ने के लिए, समझ में आया? तो यहाँ पर जब हम लोग यूनिवर्सल डोनर की बात करते हैं तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा? ओ नेगेटिव, ठीक है? वही जब हम लोग बात करें आपकी यूनिवर्सल रेसिपिएंट के बारे में तो सबसे पहले हमारे मुझे थोड़ा बटन से निकलता जा रहा था ए भी, ठीक है? वही मैं पूछने वाली हूँ, ए भी पॉजिटिव या नेगेटिव? ए भी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, आर यू श्योर? हाँ, आप लोग ये सब चीजें याद रखिएगा जब हम लोग बात करें यूनिवर्सल रेसिपिएंट के बारे में, ठीक है? तो होगा ए बी पॉजिटिव। क्यों? ध्यान देना, ये है आपका ए बी पॉजिटिव, ठीक है? तो उसका ए भी है, बी भी है और ये पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव। अब ये किसी के भी ब्लड लेता है, ठीक है? तो उसके ब्लड में अगर कोई भी एंटीबॉडी है, ठीक है ना, तो आप लोग जानते हैं कि वो उसके साथ आपका कंबाइन जनरली नहीं करता, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया? चलो तो यहाँ पर चीज को लिख लीजिएगा, रेसिपिएंट। हाँ जो देखो क्लास, लिखना यूनिवर्सल डोनर इक्वल्स ओ नेगेटिव एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज ए बी पॉजिटिव, ठीक है?
अच्छा इसमें एक खास बात और समझना कि आरएस स्ट्रक्चर की जब बात चल रही है तो इसमें एक और खास बात है समझने की। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि अगर आर एच नेगेटिव फीमेल की शादी, अगर हम आर एच पॉजिटिव मेल से कर देते हैं तो उसका क्या परिणाम निकलता है? हैं जी नहीं, फर्स्ट सरवाइव कर जाता है और उसके बाद में एक भी बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता। सरवाइव करवाने का सिर्फ एक ही रीजन रह जाता है, अगर आप उसकी एटोपसी यानी कि उसका ऑपरेशन करके आप पहले बेबी को निकालने जन्म देने से पहले, तो वो सरवाइव कर सकता है वो भी किसी किसी केस में। ठीक है, अब समझना ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले क्या हुआ, आर एच नेगेटिव कौन है, फीमेल है, उसकी शादी हमने कराई है आर एच पॉजिटिव मेल से। ठीक है, तो जब ये एफ वन आएगी जनरेशन, ठीक है, आने वाली एफ वन जनरेशन है, एफ वन जनरेशन मतलब नहीं, एफ वन मतलब ये पहले कूद कूद को बताते हैं, सुबह कल से तुम्हारी एंट्री नहीं है मेरी क्लास में, बाहर रहना क्योंकि तुम्हारी वजह से बाकी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ बताओ, हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज द फर्स्ट जनरेशन, ये बात बोल के चलते हैं, है ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जो कि गलत होता है। ये क्वेश्चन आपको मुझे कैसे नहीं पूछा, ये एक्चुअली एफ का मतलब क्या है, या तो ये फर्स्ट है, अगर ये फर्स्ट है तो वन का मतलब क्या है, और अगर ये फर्स्ट है तो F का मतलब क्या है, भाई जनरेशन तो ये लिख रही है ना, फर्स्ट जनरेशन है तो ये F का मतलब यहाँ पर क्या है, और अगर ये फर्स्ट है तो वन का मतलब क्या है यहाँ पर। ये आप लोगों को फर्स्ट ईयर में बता देना चाहिए था जब हम लोग सेकंड बुक कंप्लीट करते हैं सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लोग जनरली पढ़ते ही सिटीजन मेंडलिज्म वगैरह, तो एफ वन जनरेशन का मतलब होता है क्लास सीनियर फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, इट इज अ फिलियल फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो निकल जाती हैं माइंड से। दूसरी खास बात, अभी ये क्या हुआ, एफ वन जनरेशन इनकी आई, ठीक है, इसका मतलब जब फर्स्ट बेबी हुआ था तब आर एच पॉजिटिव का ब्लड जैसे ही, भाई सीमन के थ्रू भी तो ये हो जाते हैं आप जानते ही हैं, तब उस वक्त आर एच नेगेटिव जो फीमेल थी वो आपके पॉजिटिव के लिए क्या हो चुकी है, सेंसिटाइज हो जाती है, क्या हो चुकी है, सेंसिटाइज हो गई। ठीक है, यहाँ पर F1 के बाद हो गई है ये सेंसिटाइज। ठीक है, अब सोचिएगा ये दोनों फिर से F2 जनरेशन के लिए प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये सेंसिटाइज हो चुकी थी, ठीक है, इसके बॉडी में फिर से Rh पॉजिटिव एंट्री करेगा तो उसमें ऑब्वियसली सी बात है उसमें क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी के नंबर है वो इंक्रीज कर जाएंगे। इंक्रीज करते ही यहाँ पर जो आने वाला आपका F2 जनरेशन है, फीलियर सेकंड जनरेशन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाती है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी आगे होंगे उनमें से एक भी सर्वाइव नहीं कर सकता, सिर्फ फर्स्ट जो बेबी होता है वो सर्वाइव हो जाता है। ठीक है, एक खास बात और समझिएगा, ऐसी कंडीशन में फर्स्ट प्रेगनेंसी होना जरूरी होता है क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से ही फीमेल जो होगी वो क्या हो जाएगी, सेंसिटाइज्ड होगी। अगर हम शादी भी नहीं मान रहे हैं, अगर हम जस्ट एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी बात करें, तो अगर पॉजिटिव का ब्लड हम नेगेटिव में भी चढ़ा देंगे, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम चढ़ाने पर नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, उस ब्लड के लिए सेंसिटाइज हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप उसको दोबारा से चढ़ाते हो पॉजिटिव वाला ब्लड, ठीक है, तो ये ऑलरेडी सेंसिटाइज हो चुका था, ठीक है, इससे इसकी डेथ होने की चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे। समझ में आए? अब एक क्लास और समझिएगा, जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे F1 जनरेशन चलो सर्वाइव कर लेंगे, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये जो प्रोसेस होती है कि जिसमें आपका आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद एक भी सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे जो टर्म हम लोग यूज करते हैं कौन सी होती है, ठीक है, ये इसको हम टर्म यूज करते हैं,
देखिए सर, पूछिए। पहला ये था कि आज हमने बस एनटी को ये भी ब्लड है ब्लड ग्रुप, उसको हमने जो है ए पॉजिटिव को दे दिया। सभी हमारे पास ए भी जो है वो ब्लड है, हमने जो खून दे दिया ए पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव में एंटीबॉडी हुई बी की, वो से आगे टाइम में से एनटी एम की हुई बात हो क्यों नहीं? हां ही तो ऐसे ही है, आपने उसको दिया हुआ है ने ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को आपने दिया है तो ए बी पॉजिटिव है सर, क्यों कोई भी दिया जा सकता है ना? हाँ कोई भी दिया जा सकता है ना। तो देखो इसमें जो आपका ए है, आप ए तो बोल रहे थे ना, ए पॉजिटिव जो हम लोग उसको देते हैं ठीक है, तो आपके ए बी पॉजिटिव में हालांकि कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, मगर इसकी जो आपकी एंटीबॉडी होगी बी ठीक है, वो ऑलरेडी इसकी बॉडी में जाके वर्क नहीं करेगी, फंक्शन नहीं करती है, सिर्फ फंक्शन भी कम करेगी, सिर्फ जब कोई कोई भी बाहरी एंटीजन जो है बॉडी में एंट्री करेगा तब, लेकिन इसके लिए ब्लड के लिए हार्मफुल नहीं होगा एंटीजन ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आधी चीज होती है हम लोग ब्लड ग्रुप किसके बेसिस पर लेते हैं, डब्ल्यूबीसी के बेसिस पर, प्लेटलेट्स के बेसिस पर नहीं, आधी चीज के बेसिस पर ठीक है। अगर आप लोग प्लाज्मा को भी अलग कर देते हो ठीक है, अगर मैं ये है आपकी आधी चीज, यहाँ पे है ब्लड प्लाज्मा ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी आधी चीज होती है वो कौन सी कहलाई जाती है, आपकी टीसीयूज पैक सेल वॉल्यूम से हम बोलते हैं ठीक है, तो इसकी जो आपकी एंटीबॉडीज इसमें तो होगी नहीं, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती, तो इसकी जो एंटीबॉडीज है कभी भी आपके इस व्यक्ति के लिए हार्मफुल नहीं होती ठीक है। देखो अगर सेकंड पार्टनर कौन सा वो नहीं है, हाँ तो चांसेस 50% के हो सकते हैं, पर बिल्कुल नहीं होंगे ये बाकी आप लोग देखो मुझे दिखाओ हाँ बुक में दिखाना मुझे ठीक है, हाँ दिखाना मुझे और मैं और भी देखूंगी तुम्हारे लिए ठीक है। तो यहाँ पर क्लास आज आप लोगों का कंप्लीट होता है ब्लड ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब डेवलपमेंट होता है तो बच्चों का डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है, उसमें ये जो ब्लड के कनेक्शन में बच्चा रहता है ठीक है, तो ब्लड उसमें जो चलता है हमेशा वो आपका एचआईवी पॉजिटिव, इसीलिए ये तो 100% है, तो आपको सफाई करती है ना चार बातें एचआईवी पॉजिटिव होने की, जिसमें एक तो फैक्टर आपका यही है ना प्रेगनेंसी होता है, इसीलिए हर एक प्रेगनेंट लेडी का एचआईवी पॉजिटिव टेस्ट होना जरूरी है, एचआईवी टेस्ट जरूरी करवाना है ठीक है, ये तो कंपल्शन है। खैर क्या हो गया, बहुत अजीब आ रही है। अच्छा होप सो आप लोगों ने लिखा होगा, नेक्स्ट हेडिंग लिखे आप लोग ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग बॉडी पर जो क्लॉटिंग हो जाती है ठीक है ना, मतलब आपके प्लाज्मा में से आरबीसी जब अलग हो जाती है ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लड क्लॉटिंग पहली बात। दूसरी खास बात, हमारी नर्व्स में ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होती बताइए भाई, एक बात बताइए, टूट फूट आप जानते हैं सेल्स में भी होते रहते हैं, टिश्यूज में भी होते रहते हैं ठीक है, तो जनरली इसमें हमारे नर्व्स में क्यों नहीं होती, ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होती, भाई क्लॉटिंग तो हो ही सकती है ना अंदर, हाँ उसका सिर्फ एक ही रीजन है दैट इज द पेरेंट,
कल एक टर्म बताया था, ठीक है, हिस्टामिन एंड हिपेरिन दो टर्म्स लिखवाए थे, जिसमें हिस्टामिन जो है कौन सीक्रेट करता था, इयोसिनोफिल्स, और बेसोफिल्स जो होते थे वो आपकी, ठीक है, तो हमारी बॉडी में हिपेरिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कभी ब्लड वेसल्स में क्या नहीं होती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। दूसरी खास बात है हिपेरिन जो है लिवर के थ्रू क्या होता है, सीक्रेट होता है, लिवर के थ्रू बनते हैं, सिंथेसाइज होंगे लिवर के थ्रू, लेकिन हिपेरिन जो है डायरेक्ट बॉडी में रहेगा। लेकिन जब भी हमें क्लॉटिंग की जरूरत होती है, ठीक है, तब वहां पर आपका थ्रोम्बिन और प्रोम्बिन आ जाते हैं, ये आप लोग जानते हैं फाइब्रिनोजन एंड आपका फाइब्रिन आता है, ठीक है। तो चलिए क्लास, ये तो नॉर्मल सी बात है, पर आपको पता होना चाहिए ब्लड क्लॉटिंग होती क्यों है। हम लोग जानते हैं कि जब भी हमें कोई चोट लग जाती है तो हमारी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है, और कुछ टाइम के बाद जो ब्लड है वो रुक जाता है, ठीक है। तो जो ब्लड निकल रहा है जो टाइम आपको, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी उंगली को चोट लगता है, तो जितनी देर ब्लड निकल रहा है वो कहलाया जाता है ब्लीडिंग टाइम, ठीक है, इट इज अ ब्लीडिंग टाइम। और उसके रुकने के बाद क्लॉट होने तक का जो टाइम लगता है, ठीक है, दैट इज द क्लॉटिंग टाइम। दोनों ही टाइम में डिफरेंस है, अंतर है, एक होता है ब्लीडिंग टाइम जिसमें ब्लड निकल रहा है, तो जो ब्लीडिंग टाइम होता है आप लोगों का, वो होता है 1-3 मिनट, नॉट मोर देन दैट, उतनी देर निकलता है ब्लड आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। हाँ, छोटे मोटे चोट है तो बात अलग है कि मुझे छोटे से कट लगा है, लेकिन अगर आप नॉर्मली मान के चले तो दर्द को लग जाएगी, तो ब्लीडिंग टाइम होता है, लेकिन जो क्लॉटिंग टाइम होता है इट इज 2-5 मिनट, और किसी किसी में 2-6 मिनट का होता है, ठीक है, पर होता है, ठीक है ना, ब्लीडिंग टाइम। समझ में आया? तो चलिए क्लास, फिर आज के लिए इतना ही, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है, बस ये टर्म्स याद रख लें कि कल मैं एक दूसरे बात करूंगा।